और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता दें युवाओं से अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जुड़ेंगे। साइबर चौपाल इससे कार्यक्रम के जरिए रूबरू युवाओं से होंगे। नौकरियों में 75% आरक्षण कानून पर चर्चा करेंगे। मंगलवार को मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और मीट दी प्रेस कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। तो 75% नौकरियों में आरक्षण को लेकर यहां पर दुष्यंत चौटाला बात करने वाले हैं। यहां पर युवाओं से सीधे रूबरू यहां पर होंगे और साथ ही साथ यहां पर मीट द प्रेस कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत यहां पर करने वाले हैं। उनको भी जानकारी देंगे कि किस तरह से साइबर चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से रूबरू होंगे और इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए, इसको लेकर 75% आरक्षण की बात की जा रही है। वही मंगलवार को बताया जा रहा है यानी कि कल मीडिया के सवालों का भी दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला आपको बता दें चौपाल एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें युवाओं से वो रूबरू होंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, नौकरियों को लेकर बातचीत यहां पर करेंगे कि नौकरियों में जो आरक्षण होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा युवाओं से करेंगे। तो ऐसे में यहां पर देखना ये होगा कि कितना ये कार्यक्रम सक्सेसफुल यहां पर होता है। हालांकि मंगलवार यानी कि कल के दिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया के सवालों का दुष्यंत चौटाला यहां पर जवाब देंगे और मीट द प्रेस के नाम से एक और कार्यक्रम होगा जिसमें मीडिया से भी रूबरू होंगे और युवाओं से भी चौपाल कार्यक्रम से रूबरू होंगे, उनका जवाब यहां पर देंगे। 75% नौकरियों में आरक्षण को लेकर चर्चा करने वाले युवाओं से तो सीधा कनेक्ट होंगे, आपको बता दें दुष्यंत चौटाला हरियाणा के युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से और उनको नौकरियों में आरक्षण को लेकर उनसे बातचीत करने वाले हैं।